बता दें लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच रकाबा डिप्टी सीएम अजीत पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। पारनेर से अजीत गुट के विधायक नीलेश लंके ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक वे जल्द ही शरद पवार के गुट में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि शरद पवार लंके को अहमदनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी के सुजय विखे पाटिल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने की योजना बनाई है। नीलेश को अजीत पवार का बेहद वफादार समर्थक माना जाता है। वह दक्षिण अहमदनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ने को इच्छुक थे, लेकिन महायुति में अजीत गुट को सिर्फ 3 से 4 सीटें मिलने की वजह से अब लंके ने शरद पवार के साथ जाने का फैसला किया है। दरअसल हाल ही में सिरूर से रकापा सांसद अमोल कोल्हे ने नीलेश लंके से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने पारनेर से विधायक को अजीत का साथ छोड़ने के लिए शीघ्र निर्णय लेने और दक्षिण नगर में पार्टी चुनाव चिन्ह तुरही बजाने को आह्वान किया था। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अजीत पवार गुट के साथ रहने वाले नीलेश लंके के बैनर पर शरद पवार की तस्वीर दिखाई दे रही है। हाल ही में अमोल कोल्हे के साथ महानाट्य का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में महाविकास आघाड़ी के सभी स्थानीय नेता मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में कोल्हे ने लंके को अपनी पार्टी में शामिल होने की अपील की थी। नीलेश लंके ने अजीत पवार से माफी मांगते हुए कहा कि मैं पहले भी उनका सम्मान करता था और आगे भी करूंगा। उन्होंने कहा कि पारनेर की जनता ने मुझे 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुना है, लेकिन अगर हमें लोकसभा का सामना करना है तो हमें कड़ा फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 4 महीने बचे हैं, लेकिन अब मैंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लंके ने कहा कि राजस्व विभाग के 47 कर्मचारियों का तबादला सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि वे मेरे करीबी थे। अब निर्णय लेने का समय आ गया है। हम डरपोक नहीं है जो दुम दबाकर बैठे रहे। मेरे ऊपर कई बार वार करने का प्रयास किया गया है, लेकिन मैं अब डरने वाला नहीं हूँ। मेरे सामने कोई भी हो, मैं इस चुनाव में कम से कम 2 लाख वोटों से जीत हासिल करूंगा। नीलेश ने अहमदनगर से बीजेपी प्रत्याशी सुजय विखे पाटिल पर निशाना साधते हुए कहा कि रावण के कर्मों की वजह से उसका भी अंत हुआ था, तो फिर आप कौन हैं।